गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विनीत अवरम लोग। और गाइस जल्दी ब्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा और ब्लॉग आज स्टार्ट हुआ है। गेट बंद नहीं हुआ किसका? नाइट में देखते हैं। अशोक गेट बंद नहीं हुआ किसका? नहीं मेरा तो नहीं हुआ, देखते हैं ये वाला गाइस। और गाइस हम जा रहे हैं मॉल क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन की आज पूरी डेकोरेशन होगी। कल फंक्शन है तो ऑब्वियसली तो हम बस घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग करने जा रहे हैं। भारत माता की जय। चुके हैं मॉल में, चेक करो बंद है और देखते हैं अभी तो क्योंकि 10:30 बज चुके हैं कि क्या लग नहीं रहा। हम ऊपर चलेंगे हैं, चलते हैं ऊपर जो भी है। और हम टिकट्स पूछते हैं अवेलेबल है तो गदर खाली करा यार। फुल भैया हम पूछ चुके हैं गदर 2 तो फुल जा रहा है शो क्योंकि जाएगा ये ऑब्वियसली कल 15 आवर्स है। कोई बात नहीं, हम ट्राई करने आए थे कि चल ट्राई कर मिल जाते हैं, टिकट मिल जाएगी तो चले जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो चलो अब देखते हैं मॉल भी खुला है नहीं खुला और कुछ खा पीते हैं या घूमते हैं। एंट्री लग रहा है बंद हो गई एंट्री है ना। एंट्री कैसे बंद हो जाएगी यार, कैसी बातें करती है, अंधेरा तो हो रहा है सारे में तो एंट्री बंद कर देंगे। चलो फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं, मुझे मॉल वगैरह तो सारे शायद बंद ही हों। बहुत शानदार है लेकिन अभी लाइटिंग वगैरह नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा गाइस देखने में। मज़ा आएगा, मैं परसों आएंगे या कल आएंगे तो आएगा मज़ा देखने में ना, वाह क्योंकि लाइटिंग ऑफ है सारी। मॉल तो बंद हो ही चुका है, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। अर्शिव हम लेट लती थोड़ा सा जागते हैं कि चलो मॉल चल रहे हैं, हमने 10 बजे सोचा फिर तैयार हुए तो यार ऑब्वियसली टाइम होता है, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। बट कोई नहीं, हम परसों आएंगे या कल आएंगे है ना। ठीक चलो चलते हैं। पार्किंग के पैसे गए हमारे 50 रुपये बेकार हो गए पैसे। करा लो तो गाइस जब डिसाइड हुआ है कि हम लेते हैं बर्गर और गाड़ी बैठ के खाएंगे। और मैं इतने बैठ जाती हूँ मैग डी वाले भाई सब के साथ और पैक करके चलते चलते हम सीधे चले जाएंगे और थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये पैक करा रहे हैं बर्गर, हमने कहा हर्षित हम इतने फ़ोटो ले लेते थोड़े से मैग डी वाले एक साथ आ जाए। हर्षित अपना बर्गर पैक चलते हैं, देखते हैं आज क्या खुला मिलेगा क्या बंद मिलेगा। आज निकल चुके हैं तो गाइस चलते हैं और अब जाने का हमारा प्रोग्राम है सीपी का, सीपी चलते हैं बराबर से। गाइस दिल्ली एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पूरी रात बंदा भागता है भागता ही भागता है भागता रहता है। जिसके हाथ में है बर्गर बैठते हैं। तो गाइस बर्गर एंजॉय करते हैं और ना मैकडी कर चलते हैं। और गाइस हमारा प्रोग्राम हो गया थोड़ा सा चेंज इसलिए हो गया कि अब सीपी जाएंगे क्योंकि 12 बज रहे हैं तो सीपी में भी क्या ही मिलेगा, बस घूम फिर के पेट्रोल फूक के आ जाएंगे। जैसे हमने भी पार्किंग दे के आ गए 50 रुपीज, ऐसे ही गए आए और ले भाई ले और हम चले। तो हम दोबारा अपने कृष्णा नगर ही जा रही हैं, देखते हैं वहीं कुछ खाएंगे और बर्गर तो खा चुके मेरा तो। गाइस टेबल तो अवेलेबल है नहीं क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, तो हम पैक करा रहे हैं पैक करा के फिर घर जाके खाएंगे खाना है ना। हम आए थे यहाँ के टेबल पर खड़े होकर खाएंगे बट अवेलेबल नहीं है क्योंकि लेट हो रहे और पुलिस वाले आ रहे बंद करा रहे, तो चलते हैं घर और पैक करा के घर पर बैठ के आराम से खाएंगे। गाइस देखिए पतंग मार्केट 12 बजे भी खुली पड़ी है यहाँ पे और हम सोच रहे थे 12 बज रहे हैं ना मार्केट बंद होगी लेकिन मिठाई का और पतंग होगा सारे खुले।
तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम अपने ठिकाने पे। हम मॉल के निकले, मॉल गए बट मॉल बंद। फिर हमने कहा सीपी जाएंगे, सीपी का रास्ते में फिर प्रोग्राम चेंज की 12 बजे जाके क्या करेंगे क्योंकि सब बंद होगा, घूम फिर के आ जाना है। फिर वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर पर, और हम आ चुके हैं। बुद्धू हेयर शो, चलो उतरते हैं। गाड़ी पार्क कर दिया, हम चलते अपने घर। ये देखो गाड़ी के पीछे भाग लेंगे, आगे आगे भागेगा। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं और अब खाएंगे खाना। पूरे पौने मतलब 12 बजने वाले हैं, 12:10 नींद आ गया। और अब खाना खोलते हैं और फिर खाते हैं। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है और ये है चाप। आ जाओ जी, ठंडा हो रहा है खाना। हेलो गाइस, और अभी का सीन ये है, अभी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे है अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं लगा लो। हर्षित 11 बजे उठा है आज, और मैं उठी हूँ 10:15, ये उठे थे 8 बजे, बट मैं उठी और ये सो गई। पापा सुबह उठ गए थे जल्दी, होता है, और फिर मैं उठी तो पापा जाके सो गए। फिर इतने मैंने सारा काम निपटा लिया और अभी पी रहे हैं चाय, पूजा वगैरह करके चाय इंजॉय करते हैं। हर्षित गया था छत पे, पता ही नहीं एक भी है। हर्षित को भी गाइस अब शौक नहीं रहा पतंगों का, यही बच चुका है। मिली थी तारक दी। तो गाइस अभी बजा है 1:30, और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। सुबह से प्लानिंग बस यही कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि हर्षित मान रहा, हम दोनों का मन कर नहीं रहा कहीं जाने का। हर्षित कह रहा मम्मी सब घूमने गए हैं, आप भी चलो, आप भी चलो। तो फिर डिसाइड हुआ है कि मॉल चलते हैं, लेकिन कल वाले मॉल नहीं, दूसरे मॉल चलते हैं और देखते हैं। कह रहा 15 अगस्त के ऊपर और डेकोरेशन अच्छी हो रखी होगी, थोड़ा सा बच्चों को लगता है क्योंकि सब जाए ना, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है। और बस, और मैं ये कह रही कि बाहर खाओ खाना, मगर नहीं, रात खाया बस, अब मन नहीं कर रहा। तो गई मतलब हर बार नहीं अच्छा लगता, एक ना झिकसी हो जाती है। तो बस रात को बर्गर खा लिया और चाप वगैरह खा लिया, मन नहीं कर रहा। तो ये अब ये वो डिसाइड हुआ कि दाल चावल बना के चलते हैं, आके खा लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने खाए हैं नाश्ते में चीले, और एक पे दाल एक पे चावल चढ़ा दिए मैंने, और ये आते भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। मैंने इस पे दाल बन चुकी है, इस पे चावल चढ़ा दिए हैं, और बस चलते हैं। और निकाल ले मैंने कपड़े, हर्षित से भी बोलती हूँ कि प्रेस करने, तो भाई बताओ। अभी डिसाइड ये हुआ है कि मॉल फिर से कैंसिल, और अब जा रहा है हर्षित, जा रहा है नानी के, और मैं जा रही हूँ टेलर के। तो शायद देखते हैं रात को जाएंगे मॉल, और अभी तो मैं जा रही हूँ क्योंकि कल मैं देख के आई थी, तो मैंने मेजरमेंट नहीं दिया था, तो अब देने जा रही हूँ हर्षित को छोड़ दिया। बाय, जा जा, आ जाइए अपने आप से। तो कहीं हर्षित को हमने छोड़ दिया है नानी के घर, खेल लेगा वो दिन में, और अब हम चलते हैं टेलर के। इसको पट हो चुका है और हम गए भी, बट दीदी नहीं मिली। तो चलो फिर घर चलते हैं वापस, और कल देखेंगे। और ये देखिए गाइस 15 अगस्त के ऊपर सारी तैयारियां, मस्त बैलून लगे हुए हैं, जय बाबा की। तो गाइस एक पतंग आई थी छत पे, मैं निकाली, बच्चों को देती हूँ जो भी उड़ा रहे हैं उन्हें। तो गाइस अभी जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज मंगलवार है, तो आज जल्दी हो जाते हैं। और हर्षित अभी आया नहीं है, मामा कैसे वो मौसी को चला गया है, और वो मैसेज वगैरह, मम्मी मुझे मॉल जाना है, मैं कैसे करूँ। मैंने भाभी को बोल भाई आ जाए, वैसे बोल दिया था मैंने भाभी को कि भाभी 8 बजे मॉल जाना है, नहीं तो रोएगा भाई, तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन भैया छोड़ दो भैया उसको 8 बजे तक। तो गए जब पहुँच चुके हैं मंदिर, देखो मंदिर में भी बैलून्स वगैरह सब लगे हुए हैं। जा रहे मॉल, और मैंने कल वाले कुर्ता पहन लिया है, मगर फिर धुल जाएगा ये, तो दूसरे उस पसीनों में। मैंने भी कल वाले कपड़े पहने, और इसने भी कल वाले पहन लिए। चलो आ जा, मंदिर में है बट मैंने दुपट्टा नहीं लिया, तो मैं अंदर ही जाऊंगी मंदिर में, और हर्षित को भेजा ही ना बुलाने के लिए। तो गाइस हम निकल गए हैं, गाड़ी से नहीं आए, जो स्कूटी से आए हैं। चल तो
बहुत लेट हो गए थे तो हमने सोचा गाड़ी से चलते हैं, लेट सवेरे सेफ है। और तो अभी तो फिलहाल 9 बजे थे, 9:15 बज रहे हैं, चलते हैं। हमारा हो चुका है पोपट, यहाँ तो बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं है, इंडिपेंडेंस डे की कहीं भी कुछ भी नहीं है। ऊपर चलते हैं, बहुत ज़्यादा वाली डेकोरेटिंग थी, बस इस अब की कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं गेमिंग जोन में, देखते हैं वहाँ पे। हम आ चुके हैं गाइस लिफ्ट में, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है ना, सब भागते ही हैं कि चलो मॉल ही चलते हैं, बच्चों को घुमा लाते हैं ना। बट आज कहीं भी नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ बैलून भी नहीं लगा रखे बीच में। 90 सिनेमास इसमें तैर रहे हैं। आ चुके हैं बाहर, अब चलते हैं दूसरे मॉल, देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। गाइस एक तो ये इतनी महंगाई में कोई क्या ही पैसा लगाए, किसी के काम धंधे है नहीं कुछ तो इस ये भी बात है। जब आए थे क्रॉस रिवर मॉल, बट क्राउड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया यहाँ। हम आ चुके हैं मेट्रो मॉल यूनिटी वन, मेट्रो होल सेल और क्या क्या बताऊँ, यहाँ पर बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो गाइस यहाँ बना हुआ है G20 का लोगो, बहुत शानदार, मतलब तिरंगे के इसमें। चलो यहाँ ये तो है थोड़ा बहुत, थोड़ी सी फीलिंग आ रही है देश भक्ति की, यहाँ पे सॉन्ग लगे हुए हैं और यहाँ पे फुल भी डेकोरेटेड है। से भी इसको भी टाटा बाय बाय बोलते हैं, और यहाँ स्टॉल भी लगे हुए हैं काफी सारे। क्रॉकरी भी है। गाइस फाइनली हम आए अब तीसरे मॉल V3 मॉल, कितने मॉल घूमेंगे आज पता नहीं, चलते हैं अभी। हर्षु हम तीसरे मॉल आए हैं, यहाँ शॉप तो बंद हो चुके हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह या वही खुले हुए हैं। जहाँ जा रहे हैं बंद ही मिल रहा है हमें, क्योंकि टाइम भी ऊपर हो गया, सारे मॉल्स का मतलब काफ़ी डिस्टेंस में थे, इसमें ही मैं आधा घंटा लग गया पहुँचने में, ये लगा लो चलते हैं। तो भाई चलते हैं, हमारी स्कूटी आ चुकी है, चलो भैया बैठो अपनी सवारी पे। तो गाइस हम खा रहे हैं फ्राइड आलू, दे दे मेरे हाथ में। तो गाइस हम घर आ गए और बजे हैं पूरे 11:30, और मेरा तो पेट फुल हो गया क्योंकि मैंने गोलगप्पे खा लिए और आलू की चाट खा ली, बस हर्षित बना कर रहा है अभी, ये कहेंगे तो खा लेंगे क्योंकि खाना मैं बना के गई थी। यह देखिए गाइस कसाटा फ्लेवर पेस्ट्री, मैं इसे कसाटा ही समझ रही थी और ये मेरी ना कल से ऐसे उड़ाए जा रहे हैं, तो यार मेरी क्या गलती, इसमें वो कसाटा ही लग रहा है पूरा, फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर ऐसे था, मैं कैसे दिखाऊंगा अभी, फ्रीजर में रखो, फ्रीजर शट अप, इसको कौन नहीं बोलेगा कि ये कसाटा है, ऐसे थी जब पेस्ट्री लाया था, पेस्ट्री बेच रहा है,
इतना नहीं गया ना ध्यान, मुझे लगा कि आलू के साथ होगा तो आलू को कठड़ा बोल लेते। तो गाइस अभी बज रहे 12:30, ना मैंने खाना खाया ना हर्षित ने खाया खाना, बस इन्होंने थोड़ा सा खाया। और गाइस बस कल से हम मॉल ही मॉल घूम जा रहे हैं, मॉल ही मॉल। और हमें मतलब जो चीज़ हम देखने गए थे ना पिछले साल गए थे, बहुत ही औसम डेकोरेटेड था सारे मॉल, बट आज तो कोई भी नहीं था। बस गाइस यही है, काम जल्दी है नहीं, महंगाई इतनी है। तो कल गए थे हम एक मॉल, आज गए हम 3 मॉल, है ना हर्षित? कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, या हर्षित सुबह से पीछे पड़ रहा था, कहीं चलो कहीं चलो कहीं चलो। तो पहले तो दिन में जा रहे थे हम, दिन में प्रोग्राम बना, तो फिर इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये मामा के चला गया, मामा के यहाँ से फिर मौसी के यहाँ चला गया, फिर ये आया शाम को, तब हम निकले। और मैं इसलिए खाना वगैरह बना के निकली, मैंने कहा अब कल से बाहर का ही खा रहे हैं तो फिर तबीयत ही खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तो ये कि आके फिर खाना खा लेंगे। फिर भी मैंने हम तीनों ने खा के आए थे टिक्की और गोलगप्पे, है ना हर्षित? गोलगप्पे हर्षित और मैंने खाए थे, तो हमारे तो इसी में टिक्की नहीं सॉरी आलू की चाट, इसी में पेट भर गया। तो चलो गाइस जो सीसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट्स करके बताना हमारी वीडियो को कैसे लगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।